नमस्कार। कुछ और अपडेट, कुछ और सूचनाएं उन सभी ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि ओपन से या SOL से दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, उस कंडीशन में यदि वो बच्चे फुल टाइम माध्यम से अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, जॉब के हालात हो सकते हैं, शादी के हालात हो सकते हैं, 12th के बाद रेगुलर पढ़ाई नहीं करनी है, आर्थिक अभाव है, पैसों का दबाव है या कोई घर की मजबूरियां हैं, लेकिन आपको पढ़ने का इच्छा है, मन है, तो उसके लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं और ये सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स करा है या कॉमर्स करा है या साइंस करा है, तीन कोर्स आपके सामने आते हैं। हम BA कर लेंगे या BCom कर लेंगे या BSc कर लेंगे बस, लेकिन इसके अलावा भी पढ़ाई होती है। बहुत से अच्छे पाठ्यक्रम होते हैं जिसकी अगर जानकारी समय पर ना मिले तो आप गलती कर देते हैं और 3 साल बर्बाद होने के बाद सोचते हैं काश हमने दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लिया होता। तो कौन से ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं आप और कितनी परसेंटेज चाहिए? अगर आपके मिनिमम 40% नंबर भी आए हैं ना तो भी आवेदन कर सकते हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा ओपन लर्निंग में और किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा आपको नहीं देनी है, ठीक है। क्लासेस होती हैं, सेंटर बनते हैं, किताबें आती हैं, लेकिन बच्चे कई बच्चे होते हैं या कहें कि सैकड़ों बच्चे होते हैं जो क्लास लेने नहीं जाते हैं और लाखों बच्चे होते हैं जो अप्लाई करते हैं। कितने लाखों बच्चे, सैकड़ों नहीं, सैकड़ों बच्चे तो क्लास छोड़ देते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो क्लासेस लेते हैं और एग्ज़ाम सभी देते हैं, फिर बदनाम करते हैं या गालियां देते हैं कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सोल में पढ़ाई नहीं होती है। किसी का भी एडमिशन तो किसी का भी हो जाता है लेकिन पढ़ाई तो सभी को करनी पड़ेगी ना, तो उसी सब की हम बात करेंगे बीच बीच में। और अब हम बात कर लेते हैं कोर्सेज की। BBA, FAI, ठीक है, BMS, और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स साइकोलॉजी और BA ऑनर्स BCom, BCom पास, BA प्रोग्राम, BCA या BBA, BA प्रोग्राम साइकोलॉजी और BA पास, ये कोर्सेज हैं जिसमें आवेदन आप करेंगे। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है मैं आपको आगे डिटेल में समझा दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, जितना आपके पास समय है और जितनी आपके पास समझ है उतना वीडियो देखिएगा। ज़बरदस्ती तो हम किसी से करते नहीं हैं और करना अच्छा भी नहीं लगता है। 31 अगस्त 2023 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, लेकिन जितना जल्दी फॉर्म भर देंगे वेबसाइट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वेबसाइट पर जब लास्ट डेट पे फॉर्म भरते हैं प्रेशर बढ़ जाता है और उस कंडीशन में हो सकता है फॉर्म का वेबसाइट ना खुले, सर्वर फेल हो जाए, हैंग हो जाए, फीस सबमिट ना हो, तो फिर आप गालियां देंगे कि कितनी बेकार वेबसाइट है। क्योंकि जब लास्ट डे होता है ना और लास्ट एग्ज़ाम का लास्ट का आधा घंटा बचता है, बहुत तेज़ी से काम होता है और जब तेज़ी से काम होता है तो कई बार ना चाहते हुए गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें, टाइम से फॉर्म भर दीजिएगा। परसेंटेज कितनी चाहिए आपको वो सुन लीजिए। अगर आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं सोल के, तो आप यदि SC ST PWD कैटेगरी में हो और आप केवल पास हुए हैं 33% से या 35% 40% 60% आवेदन कर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी में हैं और आपका परसेंटेज यदि 40.5% यानी कि 41% मान के चलिए, इतना या अत्याधिक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप यदि 45% उससे ज़्यादा नंबर है तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 50% से कम नंबर है और 40 से ऊपर है तो भी आवेदन कर सकते हैं, प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम FAI या BBA भी कहते हैं, इसको आपको लेना है, जिसमें एक आपको लैंग्वेज पढ़नी है, एक मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना है और कुछ डोमेन कॉम्बिनेशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, सभी सब्जेक्ट में आपको एक एक लैंग्वेज पढ़नी है, दो दो डोमेन पढ़ने हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ये BA के बच्चे कर सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी कर सकते हैं अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है 8th 12th में, ठीक है ना। BCom ऑनर्स पढ़नी है आपको, अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें एक BCom ऑनर्स में अकाउंट्स है और एक BCom ऑनर्स में मैथमेटिक्स है, दोनों में से एक ही आप चूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। BA ऑनर्स इंग्लिश पढ़ने के लिए आपकी इच्छा है इंग्लिश ऑनर्स, तो वो कर सकते हैं। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, BA ऑनर्स पॉलिटिक्स में आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, लैंग्वेज पढ़नी है, दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, डोमेन स्पेसिफाई की, और ये मैं आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर, सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड ईयर का फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड ईयर का सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट के अलग अलग होंगे, सिलेबस अलग अलग होगा, पाठ्यक्रम अलग अलग होंगे और ये अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी वेबसाइट पर दिए गए प्रोस्पेक्टस के अंदर। प्रोस्पेक्टस का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
पॉलिटिकल साइंस के बाद अगला कोर्स है बीए प्रोग्राम, ठीक है। अगला कोर्स है बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बोलते हैं, या इसको कई भाषा में बीबी भी बोल देते हैं, ठीक है। अगला एक नया कोर्स आया है, और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन पहली बार आया है, ध्यान रखिएगा, नया कोर्स है प्रोफेशनल कोर्स। एक और प्रोफेशनल कोर्सेज है, स्किल वाला कोर्स है साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वाले कोर्सेज में और कंप्यूटर साइंस वाले या कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें सीटों की संख्या है 2000 इसमें सीट रखी गई हैं। 12th पास इसमें होना चाहिए 50% के साथ। कंप्यूटर एप्लीकेशन में खासकर वो बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ा है 12th क्लास में, ठीक है। बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम पास, प्रोग्राम को ही पास बोलते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स एक ये सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। और लास्ट में एक और नया सब्जेक्ट आया है, इसको बोला गया है बी ए ऑनर्स साइकोलॉजी, यानी कि देखिए पहला था बी ए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी, और अब है बी ए ऑनर्स साइकोलॉजी, यानी कि बी ए प्रोग्राम में आपको साइकोलॉजी एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा, और सब्जेक्ट भी होंगे, लेकिन बी ए ऑनर्स साइकोलॉजी में आपको केवल साइकोलॉजी ही पढ़ाया जाएगा मुख्य सब्जेक्ट के रूप में भी और सेकेंडरी सब्जेक्ट के रूप में भी, और जो अदर सब्जेक्ट होंगे वो आपको सेकेंडरी सोर्स के रूप में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और साइकोलॉजी के लिए भी 45% नंबर रखा गया है मिनिमम अप्लाई करने के लिए। कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है आपको 3 सालों में 6 सेमेस्टर में, उसके भी नाम सुन लीजिए, और किसी भी एक या दो लैंग्वेज को आप पढ़ सकते हैं, 3 लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हैं, मर्जी आपके ऊपर। सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे या भरवाएंगे, तब इसको देखिएगा। 3 साल है, 3 लैंग्वेज पढ़ लीजिए सबसे अच्छा है, 2 पढ़ लीजिए एवरेज है, 1 तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो डिग्री आपकी 0 हो जाएगी। बिना किसी लैंग्वेज को पढ़े आपने डिग्री कंप्लीट करी, चाहे बीकॉम करा या बीए करा, बीए ऑनर्स करा, कंप्यूटर करा, तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आपने इंडिया में कहीं से भी पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे रेगुलर या डिस्टेंस, ओपन, प्राइवेट, कहीं से भी, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ना मैंडेटरी है, एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट भी है, और उससे पहले की नीति के भी अंतर्गत आता है। कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है आपको, और हाँ, लैंग्वेज के संदर्भ में देसी और विदेशी दोनों लैंग्वेजेस में मिक्स हैं जो आपको पढ़ने में पड़ी, और इसको पढ़ने के लिए आपको अलग से कोई एग्ज़ाम, अलग से कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, इसका रखिएगा ध्यान। लैंग्वेज के नाम है अरबिक, असामी, बंगाली, बोडो, चाइनीज, डोगरी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, हिंदी, इटालियन, जैपनीज, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी और मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पर्शियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तेलुगु, तमिल, तिब्बतन और उर्दू, ठीक है। ये लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का आपको चयन करना है, लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, 2 लैंग्वेज भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया, आपकी इच्छा और क्षमताओं पर ये डिपेंड करता है। डोमेन स्पेशल सब्जेक्ट जो आपके करियर को डिसाइड करेंगे, आपकी डिग्री को कंप्लीट करेंगे, बड़ा ही ध्यान से इसका चयन करना है आपको, और 2 आपको चयन करने हैं, लिस्ट B1 से एक और लिस्ट B2 से भी एक। लिस्ट B1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़ है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज़, एक लॉ का सब्जेक्ट है, एक अच्छा सब्जेक्ट है, जरूर लीजिएगा इसको, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी। लिस्ट B2 में जो सब्जेक्ट है उसके नाम है एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, जो बच्चों को डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक्स में, वीडियो में बड़ा शौक है ना, एडिटिंग वगैरह में, उनके लिए सब्जेक्ट ये अच्छा है, इसको जरूर लीजिएगा ग्राफिक्स वाला। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोफेशनल कोर्सेज है जो कि लाखों रुपये में होता है, विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा आपने, एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, कोर्स करवाते हैं और ऑफलाइन मदद, तो ये कोर्सेज भी आपको यहाँ कराया जाएगा बीए के अंदर में। फिर है फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट, स्पेशल पेंटिंग एंड कमर्शियल आर्ट्स, ये प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है। यदि आपको पेंटिंग में, ड्राइंग में, चित्रकला में, डिजाइनिंग में, कलरिंग में, लाइटिंग में या नाटक में इंटरेस्ट है तो आप इसमें अप्लाई जरूर करिएगा, इस कोर्स को लीजिएगा। ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, ये उन बच्चों के लिए कोर्स बनाया गया जिन बच्चों का इतिहास में, जिन बच्चों का आर्कियोलॉजी में, जिन बच्चों का आर्किटेक्चर में, जिन बच्चों का कल्चर में, जिन बच्चों का रिलीजियस में, जिन बच्चों का लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखता है किसी भी देश की भाषाओं को समझने का, जानने का, देश की संस्कृति को जानने का, उनके नॉलेज को बढ़ाएगा ये सब्जेक्ट, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, और इंक्लूडिंग UGC नेट की परीक्षाओं में टीचिंग के लिए मास्टर्स के बाद ये कोर्स बड़ा काम का होने वाला है। तो यदि जिन बच्चों का मन BA के बाद, BCom के बाद MA करने का है, MCom करने का है, वो बच्चे के लिए सब्जेक्ट हेल्प करेगा। एक और प्रोफेशनल सब्जेक्ट आया जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया, जिन बच्चों को मीडिया में, पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में शौक है, काम करने की इच्छा है, तो वो बच्चे इस सब्जेक्ट को जरूर लें, ध्यान से लें, और ये प्रोफेशनल कोर्सेज है और दिल्ली विश्वविद्यालय में रेगुलर माध्यम से केवल 4 ही विश्वविद्यालयों में ये कोर्सेज होता है, और आपको ये मौका मिल रहा है ओपन में पढ़ने का, ठीक है। बेहतरीन सब्जेक्ट है, वैल्यूबल सब्जेक्ट है। अगला सब्जेक्ट उन बच्चों के लिए है जो इन बच्चों को नाटक में, ड्रामा में, एक्टिंग में, थिएटर में, नुक्कड़ नाटक में,
काम करने की इच्छा है, उनका मन करता है कि वो लोग नाटक में प्ले करें, फिल्म में प्ले करें, डॉक्यूमेंट्रीज में प्ले करें, तो एक्टिंग क्या होती है, कैसे सीखी जाती है, क्या नाटक होता है, क्या थिएटर होता है, क्या ड्रामा होता है। आपने NSD का नाम सुना होगा ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, राष्ट्रीय संस्थान। तो उन बच्चों के लिए कोर्सेज बनाया गया है, ऐसे बच्चों की जिनकी इच्छा है तो परफॉर्मिंग आर्ट्स को आप लीजिएगा। अगला सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड। ये फिजिकल एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड उन बच्चों के लिए फायदेमंद ज़्यादा होगा जिन बच्चों को भविष्य में बीएड करनी है, डाइट करनी है, JBT करनी है, MED करनी है, या टीचिंग प्रोफेशन में जाना है या एजुकेशन के फील्ड में जाना है। उन बच्चों के लिए सब्जेक्ट मुख्य रूप से डिज़ाइन किए गए हैं, फिजिकल एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड तो इतना बेहतरीन सब्जेक्ट रखा गया है कि आपको यदि किसी को शिक्षा क्या होती है, भाषा क्या होती है बताना हो, समझाना हो, सिखलाना हो, उसके लिए सब्जेक्ट बड़ा ही अच्छा बनाया गया। उसके लिए धन्यवाद स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, दिल्ली विश्वविद्यालय का, जो ये सब्जेक्ट लेकर आए हमारे सामने, ठीक है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करते हुए देने पड़ेंगे, अपनी मार्कशीट और 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की 10th का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है, ये आपको लगाने होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और क्या है इसमें, हाँ, और अगर आप किसी कैटेगरी में SC हैं, ST हैं, OBC हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, EWS हैं और ECA कोटे में आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं, तो उसके सर्टिफिकेट भी आपको लगाने पड़ेंगे। BPL कैटेगरी में तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो आपको अप्लाई करते वक्त में देनी होगी। इसके अलावा हम फीस की बात कर लेते हैं। BA प्रोग्राम की फीस है, इसको हम BA पास भी बोलते हैं, 7,820 रुपये, 7,820। BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन की फीस है 10,820 रुपये, यानी कि 10,820। BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी की फीस है 10,820 रुपये। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की फीस है 8,320 रुपये। BA ऑनर्स इंग्लिश की फीस है 8,320 रुपये। BCom प्रोग्राम की फीस है 7,820 रुपये। BCom ऑनर्स की फीस है 8,300। ऑनर्स कोर्स की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, पास कोर्स की फीस थोड़ी सी कम होती है, प्रोफेशनल कोर्स की फीस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। BCom ऑनर्स की फीस है 8,320 रुपये। BCom ऑनर्स विथ इकोनॉमिक्स की फीस है 8,320 रुपये। BBA या FAI यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फीस है 18,320 रुपये। प्रोफेशनल कोर्सेज है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कोर्स जो है इसकी भी फीस है 18,370 रुपये, ठीक है। और कंप्यूटर BBA के कोर्स की फीस भी इतनी ही थी 18,370 रुपये, गलती से 20 निकल गया था। बी ऑनर्स साइकोलॉजी जो कि नया कोर्स है, इसकी फीस सबसे ज़्यादा रखी गई है 21,320 रुपये। ये जितने भी कोर्सेज की फीस मैंने बताई, ये सब प्रोस्पेक्टस में दी गई हैं। इसमें से 400 रुपये की फीस आपको कम देनी है, हो सकती है उन कंडीशन में, यदि आप जो अप्लाई करेंगे फिर आपको किताबें चाहिए होंगी, स्टडी मटेरियल, यदि आप उन किताबों को, स्टडी मटेरियल को प्रिंट फॉर्म में नहीं लेना चाहते हैं, एक ई फॉर्मेट में, PDF फाइल के रूप में, प्रिंट फॉर्म के रूप में, या आपको ईमेल पर उसका एक लिंक मिल जाए, आप उसको डाउनलोड कर लें, वहीं से पढ़ लें, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको जो फीस है उसका टोटल अमाउंट का 400 रुपये कम देना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो जैसे इग्नू में होता है, कई बच्चे इग्नू में किताब लेते हैं प्रिंट फॉर्म में, कई बच्चे ईमेल के माध्यम पर किताब मंगा लेते हैं, PDF फॉर्म में उसको पढ़ते हैं, डाउनलोड करते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है। यदि आप ऐसा पढ़ना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये फीस कम देनी पड़ेगी अपने टोटल अमाउंट में से, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, फीस आपको बता दी है, कोर्स मैंने आपको बता दिए, क्लासेस इसकी होती हैं, जाना नहीं जाना आपके हाथ में है, इसका ध्यान रखिएगा। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको टोटल फीस जमा करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट की फीस भी होगी और एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस भी होगी, रजिस्ट्रेशन की फीस भी इसमें इंक्लूडिंग होगी, इसका ध्यान रखिएगा। और फीस को आप ऑनलाइन माध्यम से सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन का ही माध्यम दिया गया, हेल्पलाइन नंबर प्रोस्पेक्टस में दिए गए, मैं उसको दे दूंगा। और डिटेल वाइज सब्जेक्ट की नॉलेज, किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सिलेबस किया है, मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स लिया है, इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिस्ट पर आप जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, 2 पेज का सिलेबस है, उसको आप देख लेंगे, उसमें 4 इकाई या 4 यूनिट दी गई है, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी सब्जेक्ट के डिटेल रूप में, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी बताई स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन भी बोलते हैं, जहाँ BA प्रोग्राम, BA पास, BCom पास, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के फॉर्म निकले हैं जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। 31 अगस्त 2023 लास्ट डेट है, फॉर्म आ गया है वेबसाइट पर, जल्दी से फॉर्म भरिए और किसी अज्ञात, अनजान, अननोन या कैसे बोलते हैं, अशिक्षित व्यक्ति से फॉर्म मत भरवाइएगा। फॉर्म बड़ा टेक्निकल है, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपसे वो जानकारियां पूछेगा, जो जानकारी उसको नहीं पता है वो सर ना भर पाए छोड़ दे और फॉर्म को फिर एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता, इसलिए सब्जेक्ट को ध्यान से लीजिएगा,
कोर्स को ध्यान से लीजिएगा, और कोर्स को चूज़ करते वक्त, सब्जेक्ट को चूज़ करते वक्त कोई समस्या आती है तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं कोई समाधान दे सकता हूँ तो संपर्क करिएगा। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, फेसबुक का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल पर बात करनी हो तो ईमेल आईडी पर अपना कॉल नंबर दे दीजिएगा। थोड़ी सी फीस लगेगी, मेरी सी नाम मात्र की फ़ीस है, आप मैनेज कर लेंगे तो उसकी हम बात करेंगे, नहीं तो बिना फीस के भी हम बातचीत कर सकते हैं। वो आपकी समस्या और सवाल पर डिपेंड करता है। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं कहता हूँ, कोर्स और सब्जेक्ट को ध्यान से भरिएगा, टाइम से फॉर्म भर दीजिएगा। कोई जानकारी में डाउट हो रुक जाइएगा, जानकारी को क्लियर करिएगा, डाउट के शंका का समाधान निकालिएगा, प्राप्त करिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इग्नू की। इग्नू के अंदर भी फॉर्म निकले हैं, बीए के भी और एमए के भी, ऑनर्स के भी, प्रोग्राम के भी, कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या उसकी डिटेल हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं अभी, यदि आप कोई डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं अभी, यदि आप कहीं से रेगुलर माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उसके साथ साथ भी आप स्कूल ओपन लर्निंग से कोर्स कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि एक साथ आप दो अलग अलग यूनिवर्सिटी से दो डिग्रियां कर सकते हैं, दो कोर्सेज कर सकते हैं। लीगल है, मान्यता है, जनवरी 2022 में 23 में इसको मान्यता दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा। वैसे तो मान्यता पहले भी थी, लेकिन 16 से लेकर 21 के बीच में इसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया था, कारण कुछ भी हो सकते हैं, इसको पुनः री कर दिया गया है। तो आप एक साथ दो डिग्रियां कर सकते हैं, दो डिप्लोमा दो डिग्री कर सकते हैं साथ साथ में, अलग अलग कोई समस्या की बात नहीं है। तो अगर आपके मन में ये शंका है कि मैं तो कहीं और से कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं सोल में नहीं ले सकता हूँ एडमिशन, ऐसा नहीं है, आप दोनों को साथ साथ कर सकते हैं। हाँ, मैनेज आपको करना पड़ेगा, अगर आपके दो एग्ज़ाम एक डेट में पड़ गए तो आपको छोड़ना पड़ेगा, तो इसको मैनेज करिएगा, लेकिन कर सकते हैं साथ साथ में। आपने अपना समय दिया, मेरी बातों को सुना, कितना समझा ये आपका कमेंट बताएगा। आपके पास भी कोई डाउट है, शंका है, सवाल है, कमेंट करके पूछिएगा। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, प्रकृति का ध्यान, पुस्तकों का ध्यान, शिक्षकों का ध्यान रखिएगा। पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सलाम। संविधान जिंदाबाद।